नमस्कार दोस्तों, मोची नेवी लाइफ में आपका फिर से स्वागत है। तो आज की वीडियो में ऑफशोर कंपनी और ऑफशोर जॉब्स के ऊपर बात करूंगा। कई बंदे कमेंट करते हैं कि ऑफशोर जॉब्स और ऑफशोर कंपनी के ऊपर वीडियो बनाओ, कौन कौन सी कंपनी है और कितनी सैलरी मिलती है ऑफशोर में और किस टाइप के वेसल्स होते हैं ऑफशोर में। तो पहले आप लोगों को वेसल्स बता दूं, ज़्यादातर ऑफशोर कंपनियों में जाओगे तो आपको डीपी वेसल्स मिलेंगे, सप्लाई वेसल्स मिलेंगे, टग वगैरह मिलेंगे, बार्ज वगैरह मिलेंगे। तो इस टाइप के वेसल्स मिलेंगे आपको। ज़्यादातर इनके जितने भी साइज होते हैं 50 मीटर से 100 मीटर के वेसल्स होते हैं, ज़्यादा बड़े वेसल्स नहीं होते जितने कि आप एफजी में देखते होगे, तो ये छोटे टाइप के वेसल्स होते हैं। और सैलरी के मामले में बता दूं तो सैलरी भी ठीक ठाक मिलती है। ये भी ऑयलर को मैंने सुना है कि जितने भी ऑफशोर कंपनियों में अच्छी खासी कंपनियां जो आप लोग देख लो, SVS देख लो, ऑरस देख लो, ऑबर्न देख लो, और भी दो तीन कंपनियां जो कि आप cjobs.net पे जाके चेक कर सकते हो, मेरे को अभी कंपनी याद नहीं आ रही, लेकिन इतनी कंपनियां अच्छी खासी कंपनियां इंडिया में कि सैलरी अच्छी मिलती है। कम से कम AB ऑयलर को मैंने सुना है कि 50 से 60 हज़ार रुपये मिलते हैं इंडियन रुपीज़ में। आप लोग अगर ऑफशोर कंपनियों में जाते हो तो आपको 50-60 हज़ार रुपये एज आ AB ऑयलर पे आपको मिलती है। अगर आप और ऊपर रैंक पे हो तो सैलरी लाखों में चली जाती है। तो ओवरऑल सैलरी ठीक ठाक है। अगर ये सब कंपनियों में आप जा रहे हो, सैलरी ठीक ठाक मिलती है, टाइमली सैलरी मिल जाती है, और ज़्यादा लंबा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, 4 से 5 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसके बाद 2 मंथ आप ऑफ करो, फिर 4-5 मंथ का आप दोबारा ज्वाइन कर सकते हो। ओवरऑल बता दूं यार, जो भी पूछता है कि ऑफशोर ज्वाइन करना है कि नहीं, आप कर सकते हो ऑफशोर में कंपनी में ज्वाइन कर सकते हो। अच्छी खासी कंपनियां हैं इंडिया में, ज्वाइन करने लायक है, सैलरी भी ठीक ठाक है। मेरा खुद का फ्रेंड था जो कि 5 साल गोल ऑफशोर में सेल किया, उसके बाद वो अभी फ्लीट में सेल करता है। तो जो भी बंदा पूछता है कि ऑफशोर ठीक ठाक है, अगर आप स्टार्टिंग करना चाहते हो एज ए न्यूली हो, नए बंदे हो, तो आप ऑफशोर में ट्राई कर सकते हो। उसके बाद आप लोग मेन फ्लीट में जा सकते हो। इन फ्यूचर अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो गया तो आपको मेन फ्लीट कंपनियां ले लेती हैं। तो जो भी पूछता है कि ऑफशोर से मेल फ्लीट में जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हो, सैलरी भी ठीक ठाक है। अगर आपको लंबे में जाना ऑफशोर में तो आप कर सकते हो, 10-15 साल भी कर सकते हो, सैलरी बढ़ाती है कंपनी जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा। तो ज़्यादा बड़ी नहीं करा वीडियो, जो भी पूछ रहा है तो ऑफशोर के ऊपर छोटी सी वीडियो बनाई। सो जो भी होगा कमेंट करना, और जो भी कंपनी के बारे में जानना है तो cjobs.net पर जाकर चेक कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय।